नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट यारी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज 19 जुलाई 2024, आज के दिन मार्केट किस तरीके से रहा और आने वाले समय में यानी के सोमवार 22 जुलाई 2024 को मार्केट किस तरीके से रहने वाला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की ओपनिंग गैप अप होगी या गैप डाउन होगी ये भी हम समझेंगे, और मार्केट का ट्रेंड आगे चल के किस तरीके से रहने वाला है, या पॉजिटिव होने रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है, ये हम सब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज यानी कि 19 जुलाई को मार्केट में किस तरीके से रहा, क्या एक्सपेक्टेशंस थी आज जो रिटेल ट्रेडर थी उनकी, और मार्केट में कैसे उनको टैकल किया ये भी हमें समझ। लास्ट वीक जो कल एक्सपायरी हुई निफ्टी की, उसमें हमें देखा कि एक निफ्टी एक नए हाई बनाते रह रहा था, जो कि कल कल भी आप देख सकते हो कि 24,837 का एक लाइफ टाइम हाई दर्ज किया था, और आज सुबह ही 24,856 का लाइफ टाइम हाई दर्ज किया था। लेकिन कल जो पोजीशन हल्के हुए थे, आज जो पोजीशन ऐड हुए थे, आज के दिन पोजीशन में हमें बड़े बड़े बाइंग साइड पर आज ये दिखे, बाइंग साइड पर आज हमें ज्यादातर ट्रेड होते हुए दिखे। लेकिन आज निफ्टी और मार्केट ने एक ऊपरी स्तर से जो प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर लगाया, जो ऊपरी स्तर से जो गिरा है आज निफ्टी लगभग 275 पॉइंट की आज जबरदस्त गिरावट हो चुकी है। लगभग ऊपरी स्तर से निफ्टी 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट आज हमें सुबह के दिन दिखे, जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि 25,856 से लेकर 24,530 पर आज मार्केट आके रुका है। ये जो है, ये जो चल रहा है, ये अभी आने वाले 2 दिन में हमें बजट होने वाला है, उस बजट से पहले मार्केट ने एक थोड़ा सा हमें नीचे आते हुए दिखा है। लेकिन आप सभी की जो नजर है निफ्टी की 25,000, वो हमें बजट के दौरान या बजट होने के बाद हमें दिख सकते हैं, लेकिन तब तक हमें एक मार्केट में एक बड़ी गैप डाउन होते हुए दिखेगा। जिस तरीके से मार्केट ने आज 275 पॉइंट की गिरावट दी, वैसे ही मंडे के दिन मार्केट गैप अप होगा, लेकिन उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखें, यदि मार्केट मंडे के दिन गिरा और मंडे के दिन मार्केट एक सपोर्ट लेगा, और वहां से अगर निफ्टी आज का क्लोजिंग तोड़ के ऊपर जाएगा, तो हमें बाइंग साइड पर बने रहना है। दोस्तों मंडे के दिन अगर मार्केट गिरता है, 100 या 80 या 90 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है, जब वो आज का लो यानी कि आज का जो लो है 24,000, आज का जो क्लोजिंग है 24,530, ये क्रॉस होके अगर ऊपर जाने लगा तो हमें लॉन्ग पोजीशन में बने रहना है। लेकिन अगर वो नहीं होता है तब तक आपको बाइंग करना, मतलब कॉल बाइंग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं खासतौर पर, उनको बाइंग में रहना नहीं है, ज्यादातर हमें उसमें वेट एंड वॉच करना है। आप यहाँ से आप ना कोई लॉन्ग पोजीशन के लिए रहना है तो थोड़ा मार्केट को और थोड़ा गिरने दो, फिर आप उसमें एंट्री ले लो, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से गिरता है और जिस तरीके से सपोर्ट लेता है, तो वो जो सपोर्ट लेता है ना, 2 दिन 2 दिन जितना मार्केट गिरा है वो डायरेक्टली एक दिन में रिकवर होता है। लास्ट वीक का एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल है जिस तरीके से मार्केट 2 दिन में 100 70 पॉइंट 80 पॉइंट 100 पॉइंट गिरा था, लेकिन एक ही दिन में मार्केट ने 350 पॉइंट की रिकवरी दी थी। यही सोच हमें आगे रखनी है और देखना है कि आप मार्केट और कितना गिरता है। अगर गिरता है और जो सपोर्ट मिलता है, तो बजट के दिन अच्छे आए तो समझो मार्केट यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार है। अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर, वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन चेन में डेटा बना है और किस तरीके से हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने,
और किस तरीके से हमें एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनानी होगी वो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए, में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 24,600, 24,500, अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ पर ज्यादा है। जहां पर आप देख सकते हो 1,54,886, यहाँ पर जो कुल कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है वो जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 24,600, यानी कि 24,600 ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाली है मंडे के दिन, और 24,500 ये सपोर्ट का काम करेगी। वहां पर आप देख सकते हैं कि 2,16,522 यहाँ पर पुट राइटर की ओपन पोजीशन है, यानी कि 24,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 24,600 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ओवरऑल अगर देखे तो मार्केट में कितने पोजीशन पेंडिंग कड़े वो भी सबसे पहले देखते हैं कि कॉल साइड पर जिन्होंने कॉल राइट किए वो है 36,96,689, ये कॉल राइटर की ओपन पोजीशन है। और पुट राइटर की ओपन पोजीशन अगर देखे तो 37,45,890 ये पुट राइटर की ओपन पोजीशन है। लेकिन ये जो डेटा कह रहा है ये डेटा अभी भी हमें मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड लाने की कोशिश करेगा ऐसा लग रहा है। लेकिन मंडे के दिन आज जो फ्राइडे है, आज ग्लोबल मार्केट में किस तरीके से क्लोजिंग होती है, क्योंकि अभी अगर देखे ग्लोबल मार्केट में तो हमें सब जगह पर एक रेड ही निशान दिख रहा है, सभी जगह पर मार्केट गिरता हुआ ही दिख रहा है। लेकिन अगर मिडनाइट तक ग्लोबल मार्केट में हमें शार्प रिकवरी आती है, निचले स्तर से सपोर्ट मिलता है, मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है, तो फिर हमें मंडे के दिन मार्केट में बड़ी गैप अप ओपनिंग की देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी मेरी 22 जुलाई 2024 यानी कि सोमवार के दिन मार्केट किस तरीके से रहने वाला है, मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैसी होगी, ये सब हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश करी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।